मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में सस्ता मैन पावर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में है। हमारी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी भी है और एक सुरक्षित वातावरण में उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने के लिए हम सब यहां पर देख सकते हैं। मिल्टेक पार्क के समीप जेवर में ड्रग फार्मुलेशन पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर विचाराधीन है। लखनऊ में बायो फार्मा डायग्नोस्टिक और बायोटेक पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर हमारे पास इसके प्रस्ताव विचाराधीन है और इस दिशा में मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन बातों को लेकर के यहां पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन श्री पटेल जी ने जो बातें यहां पर कही है, हम लोग राज्य के अंदर अपने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके, हम लोग वर्तमान में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं और ये बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। 20 लाख यूथ को अब तक हम लोग इसके माध्यम से जोड़ चुके हैं, 2 करोड़ यूथ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में हमारे कार्य को और आसान करता है। जो इस फील्ड में R&D की जो संभावनाएं हैं और घरेलू मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर छाने का एक अवसर जो आप सबके सामने आ रहा है, हम इन सब पर कार्य कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। नेशनल सेमिनार में आप सब ने काशी की धरती को चुना और यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबका हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं।